Hi guys, hello everyone and welcome back to my channel Technical Civil. तो जैसे कि हमने इससे पहले लास्ट वीडियो मैंने एक अपलोड किया था जो कि डिज़ाइन ऑफ स्टील फुटवर्क ब्रिज के बारे में था, और उसके अंदर हमने जो है एन टाइप गर्डर को डिस्कस किया था. ठीक है, तो उसके अंदर हमने एन टाइप को डिस्कस किया था और मुझे कमेंट आ रही थी कि वॉरेन टाइप के अंदर कौन कौन से डिफरेंस है. तो उसके लिए मैंने वॉरेन टाइप ब्रिज का भी यहाँ पे एक वीडियो अपलोड कर दिया है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, देखिए. और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के आपको यूज़फुल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे. ठीक है, और देखिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मैं वीडियो मेरे हिसाब से नहीं अपलोड कर रहा हूँ, मेरे सीक्वेंस में नहीं अपलोड कर रहा हूँ, बल्कि जैसी मुझे कमेंट, जैसी डिमांड आ रही है उसके हिसाब से मैं हर एक वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ एज़ पर द रिक्वायरमेंट. सो अगर आपको भी ऐसे ही अपने हिसाब के, अपने तरह के वीडियो चाहिए जो आपको देखने हो, जो आपको समझने हो, तो मैं उसी को अपलोड करूँगा. आप मेरे वीडियो को, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके. ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ते हैं. तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वॉरेन टाइप स्टील ब्रिज की डिज़ाइन. ठीक है, कैसे डिज़ाइन करते हैं. तो देखिए इस ब्रिज को, इस टॉपिक को भी मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है क्योंकि ये भी लेंथी है. ठीक है, करीबन इसके अंदर भी 13 से 14 स्टेप है पूरे. ठीक है, तो वो पूरे स्टेप में एक ही वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाता, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है. तो जो आज का पहला पार्ट है इसके अंदर हम अप टू द एनालिसिस पोर्शन, मतलब जो टॉप कोड है, बॉटम कोड है, ठीक है, इसके अंदर डायगोनल है, ये सारे के जो मेंबर है इसके अंदर हम फोर्सेस फाइंड कर लेंगे, और जो पार्ट टू होगा उसके अंदर हम उस फोर्सेस के हिसाब से हम उन मेंबर्स को डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, तो चलिए आज हम सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं अप टू द एनालिसिस पोर्शन. अब देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है वॉरेन टाइप ब्रिज का. देखिए एग्जांपल में क्या है कि डिज़ाइन अ स्टील फुटओवर ब्रिज फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड द डेटाज आर टाइप ऑफ ट्रस दैट इज वॉरेन टाइप, देन स्पान दैट इज 18 मीटर, विड्थ ऑफ वॉकवे दैट इज 4 मीटर. एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूँ कि अगर आपने मेरा जो वीडियो मैंने अपलोड किया था एन टाइप, मतलब के फुट ओवर ब्रिज, डिज़ाइन ऑफ फुट ओवर ब्रिज, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको ये जो मैं पार्ट्स, ये जो कंपोनेंट्स बोल रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ उसके अंदर डिस्कस कर रखी है कि स्पान किसे कहते हैं, विथ ऑफ वॉकवे क्या होती है, पैनल लेंथ क्या होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर में कौन सी चीज़ गिवन है. ठीक है, तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से इजीली जाके उस वीडियो को देख सकते हो. तो चलिए अभी हम इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करते हैं. तो पैनल लेंथ हमें यहाँ पर 3 मीटर की दे रखी है, लाइव लोड जो है वो 5 kN पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, फ्लोरिंग हमें RCC स्लैब 120 mm थिक दे रखा है. ठीक है, रिमेंबर इट, 120 mm थिक. फ्लोर फिनिश जो है वो 1 kN पर मीटर स्क्वायर दे रखा है. नाउ एज्यूम सुइटेबल डेटा इफ़ नेसेसरी. ओके, तो ये हमारा एक एग्जांपल हमें गिवन है, इसके बेस पर, इसके अकॉर्डिंगली हमें एक जो वॉरेन टाइप है, वॉरेन टाइप स्टील ब्रिज डिज़ाइन करना है. ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप इसके अंदर भी हमारा होगा, वो होगा ज्योमेट्री ऑफ गर्डर. गर्डर की ज्योमेट्री क्या है, मतलब उसका स्पान, पैनल लेंथ, डायगोनल वगैरह, हाइट वगैरह, हमें ये सब इसके अंदर पहले से ही फाइंड आउट कर लेनी पड़ती है. ठीक है, तो चलिए स्पान तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, दैट इज़ 18 मीटर. पैनल लेंथ भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, ठीक है, 3 मीटर. और लेंथ ऑफ डायगोनल, अब लेंथ ऑफ डायगोनल्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए लेंथ ऑफ डायगोनल सिंपल है बिल्कुल, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. लेकिन कैसे, तो ये अगर हमें लेंथ फाइंड करना है डायगोनल की, मतलब ये लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, हमें ये डायगोनल की, तो देखिए हमें वर्टिकल और बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, ये दोनों हमें पता होने चाहिए तभी हमें डायगोनल मिलेगा. तो परपेंडिकुलर हमें पता है 3 मीटर है,
लेकिन वी शुड हैव टू ड्रॉ द लाइन फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे इसको, मतलब ये 3 मीटर का जो स्पान है, इन शॉर्ट इसे हमें डिवाइड कर देना है दो भाग में, और जहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है मतलब सेंटर से, उससे हमें एक लाइन यहाँ पे खींचनी है जो कि जॉइंट को मीट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस सेंटर लाइन से ये बेस, तो ये 1.5 हो रहा है, ये बेस कितना हो रहा है 1.5, तो ये 1.5 मीटर स्क्वायर, और हाइट कितनी है तो वो है 2.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2.6 स्क्वायर हो गया, इसका अंडर रूट करेंगे हम तो 3 मीटर का डायगनल आ रहा है, ठीक है। डायगनल लेंथ कितनी आ रही है 3 मीटर की। हाइट कैसे मिली हमको, देखिए तो हाइट भी सिंपल है बिल्कुल, हमें हाइट चाहिए, ठीक है। इसकी हमें क्या चाहिए, हाइट, हमारे पास एंगल है 60 डिग्री। हाँ देखिए एक और डिफरेंस यहाँ पे है कि एन टाइप जो लेटर एन टाइप गर्डर थे उसके अंदर एंगल जो था डायगनल के साथ वो 45 एंगल बना रहा था, कितने एंगल बना रहा था 45 एंगल, और इन केस ऑफ वॉरन टाइप गर्डर इसके अंदर एंगल जो है विद डायगनल वो है 60 डिग्री, ठीक है। ये एक फ़र्क है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम हाइट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो हाइट जो है वो थीटा और ये बेस, हमें दोनों पता है, बेस भी पता है और एंगल भी पता है, तो हम इजीली हाइट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बेस, ठीक है। तो ये इसको अगर मैं एच को सब्जेक्ट बना लूँ तो एच इज इक्वल टू 2.60 मीटर हो गया, सिंपल। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब चलिए एक बार इसकी ज्योमेट्री देख लीजिए क्या है। देखिए ये स्पान है 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर के, ठीक है, ओके। ये हाइट जो है वो 2.6 मीटर हमने फाइंड की है, एंगल 60 डिग्री का है, और ये स्पान हमें गिवन है और पैनल लेंथ भी गिवन है। तो कितने इसके अंदर पैनल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, या फिर 18/3 कर दो तो 6 हो गए, ओके। अब देखिए यहाँ से ये फिगर जो है, यहाँ से ट्रस जो है ये सिमेट्रिक हो रहा है, ये 3 इधर और ये 3 है, ठीक है, ओके। देखिए ये विड्थ ऑफ वॉकवे है, ये टॉप व्यू आप देख रहे हो, मतलब प्लान देख रहे हो इसका, ये विड्थ ऑफ वॉकवे है और ये क्रॉस बीम है, ये भी हमें डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। ये क्रॉस बीम है, ये वॉकवे है। तो चलिए हम आगे क्रॉस बीम की डिज़ाइन पे चलते हैं, ठीक है। सेकंड जो स्टेप है वो है डिज़ाइन ऑफ क्रॉस बीम। तो देखिए डिज़ाइन ऑफ कोई भी किसी भी चीज़ को, हम किसी भी मेंबर को एक्स वाई जेड अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसके ऊपर लोड को फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि लोड ही एक ऐसी बेसिक चीज़ होती है जिसके अकॉर्डिंगली हम डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके आधार से, ठीक है। लोड हमें आइडिया देते हैं कि हम उस मेंबर को डिज़ाइन अगर कर रहे हैं तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ओके, एक्स वाई जेड, सारी चीज़ें हमें बेस जो है वो लोड होता है, ठीक है, लोड उसके अकॉर्डिंगली हमें डिज़ाइन करना होता है। सबसे पहले हम लोड फाइंड करेंगे, तो डेड लोड क्या होगा इसके ऊपर ड्यू टू स्लैब, वो होगा 0.12 × 25। क्या है ये, तो 0.12 जो है हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, RCC स्लैब 120 mm थिक, तो ये इसको mm में कन्वर्ट कर लिया मैंने, सॉरी मीटर में, तो ये 0.12, ठीक है, और इंटू 25 इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ओके। तो ये 3 kN/m² हो रहा है। अब फ्लोर फिनिश वो भी मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1, और लाइव लोड भी मुझे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है 5 kN। तो इसको मैं टोटल अगर करूँ तो ये 9 kN/m² हो रहा है, ठीक है। और विड्थ ऑफ स्लैब कैरीड बाय द वन क्रॉस बीम, एक क्रॉस बीम से कितना जो है वो विड्थ कैरीड हो रहा है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए ये अगर आप मानो ये क्रॉस बीम है, ठीक है, ये क्या है, क्रॉस बीम है, और इसके एक तरफ से ये एक स्लैब है और एक तरफ से ये एक स्लैब है, दोनों की लेंथ जो है वो 3 3 मीटर की है, ठीक है, दोनों की लेंथ कितनी है 3 3 मीटर की। तो ऐसा नहीं होता है कि ये पूरा स्लैब किसी एक ही सपोर्ट पे या किसी एक तरफ लोड ट्रांसफ़र कर दे या कैरी कर दे, ये इसका आधा लोड और इसका आधा, इसकी आधी विड्थ और इसकी आधी विड्थ, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, इस बीम के ऊपर, इस क्रॉस बीम के ऊपर, मतलब ये जो है 1.5, ये क्या होगा, ये 1.5 और ये 1.5, ठीक है, ये दोनों किस बीम पे डिपेंड रहेंगे, ये बीच वाले क्रॉस बीम पे, ठीक है। इसलिए ये जो एक क्रॉस बीम होगा, ठीक है, वन क्रॉस बीम शुड बी कैरीड 3 मीटर ऑफ स्लैब, विड्थ ऑफ स्लैब, ठीक है, 1.5 + 1.5 दैट इज 3 मीटर, डन, सिंपल था, ओके ये। तो चलिए अब हम
लोड पर मीटर लेंथ ऑफ द बीम, सिंपल है, 9 जो कि टोटल लोड है, ओके, और ये हमने फाइंड किया ये 3, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 27 किलोमीटर पर मीटर आ रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे कि हमें एज्यूम करना है सेल्फ वेट ऑफ द गर्डर, वो हम 0.6 भी कर सकते हैं, 0.7 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 0.5 ले रखा है, ठीक है। तो चलिए, टोटल वेट इज़ इक्वल टू 27.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो फैक्टर अगर करूँ मैं इसको तो ये 1.5 इंटू 27.5 होगा, तो ये 41.25, ये मेरा फैक्टर्ड यूडीएल है, दिस इज फैक्टर्ड यूडीएल 41.25, ओके। तो उस फैक्टर यूडीएल की हेल्प से यहाँ पे मुझे फैक्टर मोमेंट और फैक्टर शियर फोर्स दोनों फाइंड करने होंगे, ठीक है। और फिर फैक्टर्ड मोमेंट की हेल्प से मैं यहाँ पे सेक्शन का जो प्लास्टिक सेक्शन है मॉडुलस, वो हम फाइंड करेंगे। तो देखिए, मैक्सिमम फैक्टर्ड मोमेंट जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, विड्थ ऑफ वॉकवे है, सिंपली सपोर्टेड है, और यूडीएल गिवन है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला जो है वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 होता है। डब्ल्यू मेरे पास है 41.25, एल मेरे पास 4 मीटर है, डिवाइड बाय 8 करूँ तो 82.50 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये एम पी मैक्सिमम फैक्टर मोमेंट है, ठीक है। ये क्या है मैक्सिमम फैक्टर मोमेंट, इसे याद रखना, मैक्सिमम फैक्टर मोमेंट है। मैक्सिमम फैक्टर्ड शियर फोर्स जो है वो डब्ल्यू एल बाय 2 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग यूडीएल, ठीक है, डब्ल्यू एल बाय 2। सो डब्ल्यू मीन्स दिस एंड एल इज 4 डिवाइड बाय 2, दिस इज ऑल्सो 82.50 किलो न्यूटन, ओके। नाउ जेड पी इज नथिंग बट एम पी अपॉन एफ वाई इंटू गामा एम 0, एंड दैट इज 82.50 इंटू 10^6 mm में इंटू 1.10 गामा एम 0 डिवाइड बाई 250 स्टील, ओके। तो ये जो आ रहा है मेरे पास ZP 363 सेंटीमीटर क्यूब, 363 cm क्यूब। अब मैं जो सेक्शन सेलेक्ट करूँगा वो मुझे इस ZP के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना होगा, जो भी सेक्शन सेलेक्ट करूँगा उसका ZP जो है इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे ट्राई ISLB 275 एट और अबाउट 330 न्यूटन पर मीटर। तो ये सेक्शन अगर मैं सिलेक्ट करूँ, ये मैंने किस बेस पर सिलेक्ट किया है, ZP के बेस पर। देखिए, ZP शुड बी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, ओके। तो ये 443 है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ। ZP यहाँ पे 443 है, और कैपिटल D मतलब ओवरऑल D है ये, इंक्लूडिंग द फ्लैंज टॉप एंड बॉटम, ओके, एंड R ऑल्सो। आर क्या होता है, ओके, वो आपको पता ही होगा, एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ। चलिए देखिए, ये एक अगर बीम है, ये एक सेक्शन आई सेक्शन आपको दे रखा है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे ये आई सेक्शन है, ठीक है। तो देखिए, हम जब वेल्ड करते हैं या कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ पोर्शन कर्व छोड़ना पड़ता है, ठीक है, कर्व छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे जो पोर्शन कर्व होता है ना, वो आर होता है हमारा, वो जितना कर्व होता है वो होता है आर। वो क्या होता है, यहाँ पे हम शार्प एज नहीं रखते, यहाँ पे कर्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आर हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, आर। ये हमें ऑलरेडी स्टील टेबल या आई एस कोड के अंदर दे रखा होता है आर। देखिए यहाँ पे 14 mm दे रखा है, ओके, सिंपल। तो चलिए, अब ZP D जो है इंक्लूडिंग टोटल डेफ, मतलब फ्लैंज, टॉप फ्लैंज, बॉटम फ्लैंज और आर, ठीक है। विड्थ ऑफ फ्लैंज है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, थिकनेस ऑफ वेब दे रखी है, आर दे रखा है, आई जेड और ये जेड पी, ओके। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे यहाँ पे लिस्ट आउट कर दी। चलिए अब सेक्शन क्लासीफाई करते हैं कि सेक्शन कौन सा है। प्लास्टिक मैक्स, देखिए सेक्शन क्या है, प्लास्टिक होना चाहिए, ओके। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि वो प्लास्टिक है या नहीं जो सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे फ्लैंज के लिए एक, यहाँ पे देखिए आप पेज नंबर आईएस कोड के अंदर, पेज नंबर 18 के अंदर जाके देख सकते हो, आईएस 800/2007 के अंदर, कि अगर प्लास्टिक सेक्शन हमें देखना हो तो फ्लैंज के लिए कंडीशन है B/TF रेशियो शुड बी लेस देन 9.4 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, ठीक है। तो ये बी जो है 70 कहाँ से आया, तो देखिए BF हमें दे रखा है 140, हमने जो अभी सेक्शन सेलेक्ट किया है उसका BF जो है वो 140 है। तो BF मतलब, देखिए आपको मैं यहाँ पे फिर से बता दूँ एक बार, क्लियर हो जाए आपको, BF जो होता है
ये फ्लैंज है ठीक है मेरी, ये क्या है, एक फ्लैंज है। तो ये टोटल जो विड्थ होती है इसकी, इसकी जो टोटल विड्थ होती है वो होती है बी एफ, ठीक है। टोटल विड्थ होती है, ये होती है बी एफ, ये क्या है बी एफ। लेकिन लेकिन अगर मैं इसको हाफ करूँ यहाँ से सेंटर से, तो ये होगी बी, ये आई एस कोड 800 2007 के अंदर पेज नंबर 19 के अंदर ये दे रखी है कंडीशन। आप इजीली जाके वहाँ पे देख सकते हो और अच्छी तरह से समझ सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान है, कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो उस बी एफ को मैंने डिवाइड बाय 2 किया, तो यहाँ पे स्मॉल बी मुझे मिलती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा स्मॉल बी, तो ये आ चुका है यहाँ पे 70 अपॉन थिकनेस ऑफ फ्लैंज दैट इज़ गिवन इन द प्रॉपर्टीज दैट इज़ 8.8, और ये जो है 7.95 आ रहा है विच इज़ लेस देन 9.4 एप्सिलॉन। तो ये प्लास्टिक सेक्शन है, ठीक है। अब अगर वेब की बात करो तो वेब के अंदर स्मॉल डी बाई टी डब्ल्यू। अब स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी मतलब सिर्फ वेब की डेप्थ या हाइट, एक्सक्लूडिंग आर एंड टॉप फ्लैंज एंड बॉटम फ्लैंज, ठीक है। तो अब देखिए 275 तो होल है टोटल इंक्लूडिंग एवरीथिंग, तो मुझे माइनस करना होगा 2 इंटू टॉप एंड बॉटम फ्लैंज, मतलब बॉटम फ्लैंज और टॉप फ्लैंज की थिकनेस, इसलिए मैंने 2 किया, -2 इंटू आर, ठीक है 14 है। तो ये मुझे स्मॉल डी मिल जाएगा डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ वेब, तो 35.84 विच इज़ लेस देन 84 एप्सिलॉन, सो दैट इज़ प्लास्टिक सेक्शन। तो इन दोनों कंडीशन के बेस पर मैंने यहाँ पे क्लासिफाई किया है कि जो सेक्शन मैंने सिलेक्ट किया है वो प्लास्टिक है, वो सेक्शन प्लास्टिक है, ठीक है। चलिए अब हम आगे थर्ड स्टेप पे चलते हैं, और वो है चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी। अब चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी का जो स्टेप है वो आप पेज नंबर 53 के ऊपर देख सकते हो, जाके दे रखा है एम डी इज इक्वल टू बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम जीरो। अब बीटा बी जो प्लास्टिक सेक्शन के लिए 1 होता है, हमने सेक्शन अभी क्लासिफाई किया है कि प्लास्टिक है, तो उसके लिए बीटा बी जो होगा 1 होगा। जेड पी हमने यहाँ पे जो सेक्शन आई एस एल बी 275 सिलेक्ट किया है उसके अंदर जेड पी जो है वो 443.09 दे रखी है, तो हमने बस उसको यहाँ पे पिकअप किया, ठीक है। और इन सारे वैल्यूज़ को हमने डायरेक्ट एम डी के फॉर्मूले के अंदर पुट अप कर दिया है। देखिए यहाँ पे 1 443.09 × 10³ ये मैंने एमएम के अंदर कन्वर्ट किया है, 250 1.10, इसको मैंने एम डी को कैलकुलेट किया है जो कि 100.70 किलो न्यूटन × मीटर आ रही है, विच इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम फैक्टर्ड मोमेंट, ठीक है। जो हमने मैक्सिमम फैक्टर मोमेंट फाइंड करी थी उससे ज़्यादा ये आनी चाहिए और ये आ रही है, ठीक है। तो ये मोमेंट के अंदर ओके है, इसका मतलब ये मोमेंट के अंदर ओके है। अब चलिए हम शीयर के अंदर देख लेते हैं, तो चेक फॉर शीयर कैपेसिटी के अंदर भी आपको 59 पेज नंबर के ऊपर फॉर्मूला दे रखा है, वी डी इज इक्वल टू ए वी इंटू एफ वाई डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट 3 गामा एम जीरो। अब ए वी क्या है, ए वी इज़ नथिंग बट एच इंटू टी डब्ल्यू, एच इंटू टी डब्ल्यू, एच जो है वो 275 है, होल सेक्शन की हाइट होती है, ठीक है, इंटू थिकनेस ऑफ वेब 6.4 इंटू 250 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 1.10, इसको कैलकुलेट कीजिए 230.94 आ रहा है, ओके। और इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करना होता है एज पर आई एस कोड, 0.6 से मल्टीप्लाई करना होता है, और ये जो वैल्यू आ रही है 138.56 किलो न्यूटन विच इज़ ग्रेटर देन 82.50, दैट इज़ ओके। ये क्या है, मैक्सिमम फैक्टर शेयर फोर्स है जो कि हमने अर्लियर फाइंड किया है, तो उससे ज़्यादा ये आना चाहिए जो कि आ रहा है। तो भाई ये जो है ये कंक्लूड करता है कि हमारा सेक्शन जो है मोमेंट के अंदर भी सेफ है एज वेल एज शीयर के अंदर भी सेफ है, ठीक है ना। अब चलिए हम स्टेप फोर्थ पे फिफ्थ पे चलते हैं, ठीक है, स्टेप नंबर फिफ्थ। अब स्टेप नंबर फिफ्थ क्या होगा, तो डिज़ाइन ऑफ वॉरन टाइप गर्डर। अब देखिए यहाँ से डिफरेंस शुरू होता है एन टाइप और वॉरन टाइप का, यहाँ से डिफरेंस शुरू होता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कि डिज़ाइन करने के लिए हमें लोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो लोड हम पहले सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लोड के अंदर तो वही है सेम क्राइटेरिया, ठीक है, डेड लोड ऑफ स्लैब विच इज़ 3 हमने कैलकुलेट किया था अभी, और 3 × 2। अब 2 क्या है भैया, तो देखिए वॉकवे जो है वो 4 मीटर का है हमारा, तो 4 मीटर एक साइड तो नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा 4 मीटर किसी एक सपोर्ट पे नहीं जाएगा, ऑब्वियसली वो 2 सपोर्ट्स के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा,
तो डिवाइड बाय टू होगा ये, ठीक है। तो 4 डिवाइड बाय 2 मतलब 2 यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। फ्लोर फिनिश जो है वो 1 इंटू 2, और एज्यूम सेल्फ वेट यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं 1, सेल्फ वेट यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं ट्रस का 1। तो ये डेड लोड जो है 9 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है, इसको अगर फैक्टर करूँ मैं तो वो 13.5 किलो न्यूटन पर मीटर हो रहा है, ठीक है। तो अब लाइव लोड जो हमें लाइव लोड गिवन है 5 किलो न्यूटन एग्जाम्पल में गिवन है हमें, तो इंटू टू करूँ उसको मैं, लाइव लोड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, तो 5 इंटू 2 करूँ तो 10 हो रहा है, 5 इंटू 2 10 हो गया, ठीक है। इसको फैक्टर करूँ तो ये 15 हो रहा है। अब इसको याद रखिए कि जो डेड लोड है, टोटल डेड लोड फैक्टर लोड वो 13.5 है, और टोटल फैक्टर्ड मतलब टोटल नहीं फैक्टर्ड फैक्टर्ड लाइव लोड है वो 15 है। फैक्टर्ड डेड लोड 13.5 एंड फैक्टर्ड लाइव लोड 15, तो टोटल फैक्टर यूडीएल जो हो रहा है वो दोनों का समेशन है और वो है 28.5, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लोड मिल गया। अब चलिए लोड यहाँ पे मुझे मिल गया आसानी से, तो 6th step जो होगा वो होगा एनालिसिस ऑफ फोर्सेस इन द ट्रस मेंबर, ठीक है। तो 6 और 7 मुझे पैरेलल यहाँ पे करने पड़ेंगे फॉर कन्वीनियंट, ओके, कन्वीनियंट हो, इजीली समझ में आ जाए, इसलिए मैंने दोनों स्टेप यहाँ पे पैरेलल ले चुके हैं। अब देखिए इसके अंदर करना क्या है, 6th step जो है वो एनालिसिस करना है ड्रॉइंग ILD डायग्राम, और 7th के अंदर हमें उस ILD डायग्राम के अकॉर्डिंगली टॉप कोर मेंबर्स के अंदर फोर्सेस फाइंड करने हैं, सिंपल। अब देखिए टॉप कोर मेंबर्स जो होते हैं वो कंप्रेशन में होते हैं, और उसका ILD का जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो है A × L − A / L × H, ओके। अब चलिए ILD हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ILD अगर मैं बात करूँ U0 U1 के लिए या फिर जॉइंट L1 के लिए, तो ये क्या होगा 0.9, देखिए H इज इक्वल टू 3 क्या है, ये स्पान है 3 का, पैनल लेंथ 3 इंटू 18 टोटल स्पान है, −3A/18 × 2.6, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हाइट जो है वो 2.6 है, तो यहाँ पे 0.96 आ रहा है हाइट, ओके। सेम फॉर U1 U2 के अगर फाइंड करूँ मैं, तो वही फार्मूला, बस यहाँ पे 3 जगह 6 हो जाएगा, ये 6 हो रहा है, 3 + 3 = 6, तो 6 × 18 − 6/18 × 2.6, ये 1.54 या 1.53, ओके। चलिए और ये लास्ट वन जो है ये 9 होगा, 3 + 3 + 3 9, ओके, 9 × 18 − 9/18 × 2.6, ये 1.73। तो ये ILD आ चुकी है मेरे पास, मतलब हाइट मेरे पास सबकी आ चुकी है, हाइट ऑफ ILD कितनी है 0.96, 1.53 और 1.73। तो अब इसके अकॉर्डिंगली मैं फोर्सेस फाइंड करूँगा, तो फोर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ILD इंटू टोटल UDL जो हमने अभी फाइंड किया, ठीक है, 28.5। तो चलिए फोर्स हम फाइंड करते हैं P U0 U1 के अंदर, U0 U1 के अंदर हम फोर्स फाइंड करते हैं, तो हाफ इंटू बेस 18 मीटर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मेरे पास कितनी ILD की 0.96, तो यहाँ पे पुट आउट की, इंटू UDL तो 28.5, तो ये 246.24 किलो न्यूटन कंप्रेशन मिला। सेम एज मैं U1 U2 के लिए करूँगा, सेम एज U2 U3 के लिए करूँगा, ओके। तो ये टॉप कोर मेंबर्स के अंदर मुझे जो फोर्सेस है वो यहाँ पे मुझे पता चल गए। सेम मैं 8th step जो है उसके अंदर बॉटम कोर मेंबर के लिए फोर्सेस फाइंड करूँगा, ठीक है, बॉटम कोर मेंबर्स के लिए। अब बॉटम कोर मेंबर्स के लिए देखिए ये जो मेंबर्स है ये टेंशन में होते हैं, ठीक है, बॉटम कोर मेंबर जो है वो टेंशन में होते हैं। तो देखिए अब इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है, आप इसको ध्यान से देखिएगा इसके अंदर किया क्या है। देखिए मुझे जो मेन पॉइंट है वो है L1 L2 और ये L3, फाइंड मुझे ये 3 करना है, लेकिन क्योंकि बॉटम कोर मेंबर कौन कौन से हैं मेरे, L0 L1, ओके, देन L1 L2 एंड L2 L3, ये मेरे बॉटम कोर मेंबर हैं, ओके, तो इनके ऊपर ही मुझे हाइट ऑफ ILD फाइंड करनी होगी, लेकिन यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है तो मैं इजीली इसको फाइंड नहीं कर सकता। मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले U0 पर हाइट ऑफ ILD फाइंड करनी होगी, उसके बाद उसके प्रोपोर्शनेट लेके उसका प्रोपोर्शनली मुझे यहाँ पे L1 के ऊपर हाइट फाइंड करनी होगी। देखिए मैं कैसे फाइंड करता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, अपोजिट जॉइंट, देखिए ये L0 L1 है, जो मेंबर L0 L1 है उसका अपोजिट जॉइंट जो है वो U0 है, उसका U0 पॉइंट जॉइंट है, तो उसके ऊपर हाइट ऑफ ILD कितनी होगी, तो ये देखिए हाइट ऑफ ILD का
यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे ये 1.5 होगी, बिल्कुल सेंटर से। ओके, तो 1.5 ए मेरे पास क्या हो गया, 1.5 इंटू एल कितना होगा, टोटल स्पान जो 18 है, माइनस 1.5 माइनस ए डी डिवाइड बाय एच सॉरी एल, एल जो 18 पे और इंटू एच 2.6। तो इस तरह से मुझे यू जीरो पर हाइट मिल जाएगी आई एल डी की, जो कि 0.53 है। देखिए ये 0.53। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि सिंपल कैलकुलेशन या प्रोपोर्शनेट लेना है मुझे यहाँ पे प्रोपोर्शनल के। अगर देखिए ये स्पान कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और एक स्पान है 3 मीटर का, तो 5 3 15। ओके, तो 15 प्लस यहाँ पे आ रहा है, तो 15 प्लस 1.5 मतलब 16.5। तो 16.5 पे अगर ये 0.53 है, 16.53 पे ये 0.53 है, सॉरी 16.5 पे, तो 15 पे कितना होगा, बस इसको फाइंड कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 0.48। क्या मिलेगा आपको आंसर, 0.48। तो ये मुझे L1 के लिए हाइट ऑफ आईएलडी मिल गई। ओके, सेम एज मैं क्या करूँगा L2 के लिए करूँगा, लेकिन इसके अंदर देखिए दो जॉइंट यहाँ पे पीछे आ रहे हैं L1, इसके पीछे L1 भी है ना, तो इसके लिए फाइंड करना होगा मुझे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले U1 पे फाइंड कर लूँगा, मैं क्या करूँगा सबसे पहले U1 फाइंड कर लूँगा यूजिंग दिस फार्मूला A इंटू L माइनस 1 एल माइनस ए डिवाइड बाई एल इंटू एच। ओके, उसके बाद ये 1.3 आ रहा है, तो देखिए अगर मुझे ये फाइंड करना है तो क्या करूँगा मैं, 3 प्लस 1.5 मतलब 4.5 पे 1.3 हो रहा है, तो 3 पे कितना, सिंपल आपको 0.866 मिलेगा। सेम एज देखिए यहाँ पे 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 और प्लस 1.5, तो 13.5 पे 1.3 है, तो 12 पे कितना, सिंपली सेम एज हियर। और मुझे सबकी हाइट यहाँ पे हाइट ऑफ आई एल डी फाइंड कर लेनी है। ओके, यहाँ पे मैंने सबकी हाइट ऑफ आई एल डी फाइंड कर ली, डन। अब उसके बेस पर क्या होगा, मैं यहाँ पे जो मेंबर्स है बॉटम कोड मेंबर्स है एल जीरो एल वन एल वन एल टू, इसके ऊपर मैं फोर्सेस फाइंड करूँगा। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, तो क्योंकि ये टेंशन में है तो ये माइनस साइन में लगा रहे यहाँ पे। देखिए अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, एल जीरो एल वन के लिए क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस 18 मीटर है इंटू हाइट यहाँ पे कितनी आ रही है, देखिए एल जीरो एल वन पे पर 0.48 इंटू 2 28.5, ये डेड लोड है मेरे सॉरी टोटल लोड है मेरे पास, तो ये माइनस 123.12 किलो न्यूटन टेंशन में आ रहा है, सिंपल। अब पी एल वन एल टू की बात करूँ, एल वन एल टू ठीक है, तो इसके ऊपर हाइट कितनी आ रही है, इसके ऊपर देखिए दो हाइट है, मुझे दोनों भी दोनों को कंसिडर करना होगा। देखिए हाफ इंटू बेस, इसकी बात करूँ पहले मैं लेफ्ट साइड वाले की, ठीक है, तो इसका बेस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस है, आपको इसके अंदर थोड़ा ध्यान लगा के देखना होगा, ठीक है। इसके बाद हर कोई वॉरन टाइप का अगर एग्जांपल हो तो आप इसी मेथड को फॉलो करिएगा, सिंपल है बिल्कुल, एक बार इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। ओके, तो देखिए इस मेंबर को अगर फाइंड करूँ तो मुझे ये भी फाइंड करना होगा और ये भी फाइंड करना होगा, देखिए इसको दोनों को मुझे प्लस करना होगा। देखिए 3 मीटर, ओके, ये 3 मीटर इंटू यहाँ पे हाइट ऑफ आईएलडी कितनी है, 0.86, तो हाफ इंटू बेस इंटू 0.86 हाइट प्लस, अब राइट हैंड साइड के देख लूँगा मैं, तो हाफ इंटू बेस 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3 12, तो हाफ इंटू बेस 12 इंटू 1.156। ओके, राइट हैंड साइड का, और चूंकि ये दोनों भी है, दोनों हैं और ये सेंटर में, तो देखिए 0.86 और ये 0.15, 3 मीटर का स्पान है, इसलिए हमें डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। ओके, इनटू लोड, ये हमें भूलना नहीं है, इनटू लोड मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ये जो उसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये मुझे माइनस 321.14 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा, माइंड में सेट कीजिए कि ये एग्जाम्पल और ये फार्मूला या ये फंडा बिल्कुल सिंपल, तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि मुझे इस स्टेप के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा, बिकॉज एक्सप्लेन भी मैंने काफ़ी इजीली किया है और कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए हम सिमिलरली हम L2 और L3 के ऊपर देखते हैं फोर्स।
L2 और L3 के ऊपर, ठीक है L2। तो सिमिलर वे में मुझे लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेट करने का, राइट हैंड साइड में कैलकुलेट करूँगा, दोनों को प्लस करूँगा इंटू 3/2, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे हाफ इंटू बेस 3+3 6 बेस इंटू हाइट 1.344 प्लस हाफ इंटू बेस 3+3+3 9 ओके इंटू 1.44 हाइट प्लस 1.34 प्लस 1.44 डिवाइड बाय इंटू 3/2 ओके इंटू लोड, तो ये मुझे -418.61 किलोमीटर इंटेंशन आ गया। तो ठीक है यहाँ पे ये बॉटम कोड कंप्लीट होते हैं क्योंकि उसका दूसरा हाफ जो है वो सिमिलर है, इसलिए हम उसको फाइंड नहीं करते, वो सिमेट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम कोड मेंबर के अंदर जो फोर्सेस है यहाँ पे कंप्लीट हुए, ओके टॉप कोड एंड बॉटम कंप्लीट। अब डायगोनल की बात करते हैं, फोर्सेस इन डायगोनल मेंबर्स। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट आपको गिवन है कि द मेंबर्स U1 एंड U2, जो मेंबर है U1 U2 एंड L1 L2 आर हॉरिजॉन्टल मेंबर, ओके ध्यान से सुनिएगा इसको बिल्कुल। द मेंबर U1 U2 and L1 L2 आर द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स, द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस इन U1 U2 and L1 L2 आर जीरो, इसके अंदर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है दोनों के अंदर, ठीक है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन मेंबर U1 L2 की अगर बात करो, ये U1 L2, ठीक है ऊपर देखिए यहाँ पे ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस इन U1 L2 इज इक्वल टू द शियर फोर्स इन पैनल L1 L2, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि जो U1 L2 है, U1 L2 ये जो मेंबर है ये वाला, ठीक है U1 L2 है, इसका वर्टिकल जो मेंबर होगा फोर्स होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसके फोर्स का, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, तो विच इज इक्वल टू द शीयर इन पैनल L1 L2, L1 L2 के पैनल के अंदर जो शीयर है उसके इक्वल होगा, ओके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ U1 L2। द फोर्स इन मेंबर U1 L2 इज इक्वल टू द SF इन द पैनल L1 L2 मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा। अब मुझे फोर्स अगर वर्टिकल मेंबर के अंदर फाइंड करना है, ठीक है फोर्स, द फोर्स इन मेंबर, अगर मुझे ये डायगोनल मेंबर है, ठीक है मेरे पास U1 L2 डायगोनल मेंबर के अंदर मुझे फोर्स फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे, SF इस पैनल का SF इंटू cosec थीटा, थीटा मेरे पास 60 यहाँ पे, ठीक। तो बस यही फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है। देखिए ILD फॉर U1 L2 इज इक्वल टू ILD फॉर L1 L2 इंटू cosec थीटा, सिंपल यही फॉर्मूला को यूज़ करके मुझे हर एक डायगोनल मेंबर के अंदर लोड फाइंड करना है। तो चलिए चलते हैं, ठीक। देखिए cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1/sin 60 विच इज इक्वल टू 1.15, सिंपल, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे दो चीज़ें और नहीं है। देखिए ऑर्डिनेट ऑफ ILD फॉर U1 L2 एट L1, देखिए जो U1 L2 का ऑर्डिनेट है एट L1 वो क्या होगा, 1.54 मतलब cosec थीटा इंटू M/N। M/N क्या है, M इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पैनल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द L1 जो है उसके लेफ्ट साइड में जो भी नंबर ऑफ पैनल होंगे वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पैनल, ठीक है। तो ये देखिए अगर मैं L1 की बात करूँ तो उसके लेफ्ट साइड 1 पैनल है डिवाइड बाय टोटल पैनल मतलब 6, तो ये 0.192 कंप्रेशन में आ रहा है। अगर ऑर्डिनेट ऑफ ILD फॉर U1 L2 की बात करूँ L2 के लिए एट L2, तो M क्या है, ये राइट साइड के लिए होगा, ठीक है ये राइट साइड की तरफ होगा M0, तो 4/6 होगा, तो ये माइनस में आ रहा है 0.769, ओके। दस इट कैन बी सीन दैट द ऑर्डिनेट्स ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर फोर्सेस इन द मेंबर U0 L0 एंड U0 L1 U1 L1 एंड U1 L2 U2 L2 एंड U2 L3 आर आइडेंटिकल। स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा समझ में आ जाएगा आपके, ओके। तो अब चलिए हम इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। देखिए क्या है इसके अंदर डिफरेंस, जो आपको आपने मैंने आपको अब तक कहा है डायगोनल मेंबर के अंदर, अब यहाँ पे आपका मैं सब कुछ क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए मुझे डायगोनल के अंदर यहाँ पे ILD फाइंड करनी है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो है
इनका मतलब ये जो देखिए यू ज़ीरो एल ज़ीरो, ठीक है, ये जो कह रहे हैं यू ज़ीरो एल ज़ीरो, यहाँ पे एक बार आप इसे ध्यान से देखिएगा डायगोनल मेंबर को, ठीक है, डायगोनल मेंबर कौन कौन से आप ये देख लीजिएगा, यू ज़ीरो एल ज़ीरो है, ओके, उसके बाद है यू वन एल वन, या फिर हम यू ज़ीरो एल वन भी कह सकते हैं, ठीक है, यू ज़ीरो एल वन भी कह सकते हैं। अब वो स्टेटमेंट में क्या कह रहे थे कि यू वन स्टेटमेंट यू था, हमने अभी जो आई एल डी का देखा था जस्ट प्रीवियसली, ओके, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा आप इस स्टेटमेंट को कि वो क्या कहना चाहते हैं। जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है यू ज़ीरो एल ज़ीरो के लिए एंड यू ज़ीरो एल वन के लिए, यू वन एल वन के लिए और यू टू एल टू के लिए, ठीक है, यू टू एल टू के लिए एंड यू टू एल थ्री के लिए, वो क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है, यही स्टेटमेंट था उनका, ओके। अब देखिए इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो चलिए आई एल डी फॉर यू ज़ीरो एल वन, अगर मैं यू ज़ीरो एल वन की बात करूँ, यू ज़ीरो एल वन इसकी बात करूँ आई एल डी की, तो इसकी हाइट ऑफ आई एल डी कितनी होगी, तो ये पैनल कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव, टोटल फाइव पैनल है राइट हैंड साइड पे, तो फाइव डिवाइड बाय टोटल पैनल सिक्स इंटू कॉसेक थीटा, इंटू कॉसेक थीटा, तो 1.154 इज इक्वल टू 0.96, ये टेंशन के अंदर है, ठीक है, ये क्या है, टेंशन के अंदर। अब अगर मैं यू वन एल टू की बात करूँ, यू वन एल टू की बात करूँ इस मेंबर की, तो देखिए यू वन एल टू यहाँ पे है, लेकिन इससे पहले मेरा एक यहाँ पे मेंबर है, तो इसके ऊपर मुझे फाइंड करना, ये कॉम्प्रेशन में आएगा, ठीक है, तो देखिए इसके लिए हाइट कितनी होगी, तो ये वन बाई टोटल सिक्स इंटू कॉसेक थीटा, तो ये 0.192 हो गया। टेंशन के लिए क्या होगा, वन टू थ्री फोर, फोर बाई सिक्स इंटू वन कॉसेक थीटा, तो ये 0.77, ओके। अब यहाँ पे एक्स आ रहा है, ये एक्स का फंडा मैंने डिज़ाइन ऑफ स्टील फुटओवर ब्रिज एंड टाइप के अंदर अच्छी तरह से मैंने जो है एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो, फिर आपको बता दूँ यहाँ पे मैं। देखिए एक्स जो है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, एक्स टोटल थ्री है, तो ये एक्स अगर है तो ये थ्री माइनस एक्स होगा, ठीक है। अगर मैं एक्स फाइंड करना, तो क्या करना होगा, एक्स इंटू ये हाइट डिवाइड बाई ये हाइट इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स अपॉन ये हाइट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा मैं एक्स को सब्जेक्ट बना के, तो ये एक्स इज इक्वल टू 0.598। अब ये मुझे जब मैं बेस रखूँगा ना एरिया के अंदर, तो वो मुझे एक्स वहाँ पे फाइंड काम आएगा, ठीक है, देखिए। और जो मेंबर है मेरा नेक्स्ट, वो है यू टू एल थ्री, इसके लिए फाइंड किया, इसके लिए फाइंड किया, इसके लिए फाइंड किया, लेकिन अभी यू ज़ीरो एल ज़ीरो के बाकी है, यू वन एल वन का बाकी है और यू टू एल टू का बाकी है, तो हम इसके अंदर देखिए, ठीक है। अभी आप यू ज़ीरो एल वन, यू वन एल टू एंड यू टू एल थ्री के, यू टू एल थ्री के लिए भी सेम है, ये टोटल नंबर ऑफ स्पान ऑन द राइट साइड डिवाइडेड बाय सिक्स, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो टोटल पैनल ऑन लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय ओवरऑल पैनल, ठीक है, इनटू कॉसेक थीटा, और यहाँ पे भी एक्स वही मेथड से हम फाइंड करेंगे। तो ये जो है यू वन यू ज़ीरो एल वन, यू वन एल टू और यू टू एल थ्री के लिए फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करेंगे यू ज़ीरो एल ज़ीरो, देखिए ये यू ज़ीरो एल ज़ीरो के लिए है, ठीक है, इस मेंबर के लिए, इस मेंबर के अंदर क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव है, तो देखिए फाइव बाई सिक्स इंटू कॉसेक थीटा, तो ये 0.96 आ रहा है, ये कॉम्प्रेशन में, ठीक है। अब मैं यू वन एल, यू वन एल टू के लिए, यू वन एल वन के लिए फाइंड कर दे, सॉरी यू वन एल वन के लिए, ठीक है, तो यू वन एल वन के लिए क्या होगा, सिमिलर है बिल्कुल, वन टू थ्री फोर डिवाइड बाय सिक्स इंटू कॉसेक थीटा, और इससे पहले एक मेंबर है मेरा, वो टेंशन में होगा, उसके लिए वन बाय सिक्स, ओके, वन बाय सिक्स डिवाइड इंटू कॉसेक थीटा, और एक्स का वही मेथड इजीली फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ से सेम एज फॉर यू टू एल थ्रू, यू टू सॉरी यू टू एल थ्री होगा यहाँ पे, ठीक है, ये यू टू एल थ्री, ओके, यहाँ पे सेम एज फॉर यू टू एल टू,
यू टू एल टू, ओके, ये यू थ्री एल थ्री का जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है वो तो सिमिलर ही है दोनों भी, ओके। तो यू टू एल थ्री के लिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, यू टू एल थ्री के लिए हमने यहाँ पे फाइंड कर रखा है, ओके। तो यहाँ पे हम यू टू एल टू के लिए देखिए यहाँ पे यू टू एल टू ये है, यू वन यू ज़ीरो यू वन फाइंड किया, यू ज़ीरो एल वन फाइंड किया हमने, यू टू एल टू फाइंड कर लेते, ठीक है। तो यू टू एल टू के लिए क्या होगा, देखिए कितने यहाँ पे मेंबर है, वन टू थ्री, तो ये थ्री हो गए पैनल, वन टू थ्री, ओके, ये थ्री पैनल हो गए, ठीक है। तो थ्री डिवाइड बाय टोटल सिक्स इंटू कॉसेक थीटा 0.57 हो गया, ओके। और ये देखिए 0.3, इसका मतलब ये है कि दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। इन्होंने स्टेटमेंट के अंदर वही कहा था कि ये दोनों जो है आइडेंटिकल है, ओके। तो ये आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, ठीक है, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन मत रखना। चलिए अब हम उसके अकॉर्डिंगली फोर्सेस फाइंड करते हैं। तो फोर्स अगर हम फाइंड करें पी यू जीरो एल वन के अंदर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू टोटल लोड, ठीक है। अब पी यू ज़ीरो एल वन के लिए, एल टू के लिए, सॉरी यू वन एल टू, एल टू के लिए, तो इसके अंदर कॉम्प्रेशन एरिया भी है और टेंशन एरिया भी है, ओके। आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हो, यहाँ पे कॉम्प्रेशन एरिया भी है और टेंशन एरिया भी है। अब कॉम्प्रेशन के अंदर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो हाफ इंटू बेस, अब बेस कितना होगा, बेस कितना होगा, तो जितना एरिया मेरा कॉम्प्रेशन के अंदर है इंक्लूडिंग एक्स, वो मुझे काउंट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 प्लस 0.598 होगा, तो ये इंटू हाइट ऑफ आईएलडी, तो ये कॉम्प्रेशन एरिया आ गया, सेम एज फॉर टेंशन एरिया करना होगा मुझे, ठीक है, इसलिए मैं एक्स फाइंड कर रहा था। चलिए अब फोर्स ड्यू टू डेड लोड वो कितना होगा, तो नेट एरिया, मतलब ये दो को प्लस माइनस करो तो नेट एरिया मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों को माइनस करूँगा, ठीक है, मैं तो नेट एरिया मिला मुझे। अब नेट एरिया के बेस पर मैं यहाँ पे फोर्स फाइंड करूँगा डेड लोड और लाइव लोड, लाइव लोड भी फर्दर दो है, कॉम्प्रेशन या टेंशन, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू डेड लोड क्या होगा, तो नेट एरिया इंटू टोटल डेड लोड जो कि 13.5 है, रिमेंबर, तो ये देखिए यहाँ पे 13.5 दे रखा है, ठीक है, टोटल डेड लोड था ये, यहाँ पे भी हुआ, ठीक है, तो ये 13.5 है, ये माइनस 70.13 किलोन्यूटन आ रहा है। फोर्स ड्यू टू लाइव लोड इन कॉम्प्रेशन, तो ये 0.35, देखिए 0.35 कॉम्प्रेशन एरिया इंटू लाइव लोड 15 है, और टेंशन के अंदर ये टेंशन एरिया इंटू लाइव लोड 15, ओके, ये मैंने फोर्स फाइंड कर लिया। अब मैं इसके ऊपर से लोड कॉम्बिनेशन देखूंगा, लोड कॉम्बिनेशन मतलब डेड लोड प्लस लाइव लोड इन कॉम्प्रेशन और डेड लोड प्लस लाइव लोड इन टेंशन, ठीक है, ये सिंपल है बिल्कुल। डेड लोड जो है ये माइनस 70.13 है, कॉम्प्रेशन के अंदर 500 और टेंशन के अंदर 83, तो ये मेरे पास लोड कॉम्बिनेशन आ गए। सेम फॉर यू टू एल थ्री, इसके अंदर भी कॉम्प्रेशन एरिया होगा, टेंशन एरिया होगा, हाइट इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कीजिए, एरिया मिल गया, नेट एरिया फाइंड कीजिए, फोर्स दोनों के अंदर फाइंड कर लीजिए, लाइव लोड इन कॉम्प्रेशन टेंशन और लोड कॉम्बिनेशन देख लीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल से स्टेप है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ओके। अब जो भी हमने यहाँ पे फोर्सेस फाइंड किए हैं वो एक टेबल के अंदर लिख दीजिए, ठीक है। तो मेंबर में फाइंड देख लेता, लिख लेता हूँ यहाँ पर, यू ज़ीरो एल वन, ये डायगोनल मेंबर है, ठीक है, यू ज़ीरो एल वन, यू वन एल टू, और ये यू टू एल थ्री, ओके, ये डायगोनल मेंबर थे। दूसरे कौन से हैं, यू ज़ीरो एल ज़ीरो, देन यू वन एल वन एंड यू टू एल टू, ओके, ये डायगोनल मेंबर्स हो गए सारे, आप फिगर के अंदर जाके देख सकते हो, ठीक है। अब जो भी फोर्स इन डायगोनल मेंबर्स पे आ चुके हैं वो मुझे यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद डिज़ाइन फोर्सेस, मतलब जो मैक्सिमम, इन सारे टॉप कोड हो, बॉटम कोड हो या डायगोनल हो, इन सारे फोर्सेस में से जो भी मैक्सिमम फोर्स है उसको, उन फोर्सेस को यहाँ पे मुझे एज अ डिज़ाइन फोर्स रखना है, और उसके बेस पर मैं डिज़ाइन करूँगा मेंबर्स को, ठीक है। तो टॉप कोड मेंबर के अंदर जो मैक्सिमम लोड है वो है 443.75 किलोन्यूटन इन कॉम्प्रेशन। बॉटम कोड की अगर बात करूँ तो वो है माइनस 418.61 किलोन्यूटन इन टेंशन। और डायगोनल की बात करो अगर, तो इसके अंदर मैक्सिमम फोर्स जो होगा देखिए ये है, वो है माइनस
46.24 टेंशन के अंदर और 246.24 कंप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो ये सिंपली मैंने यहाँ पे सारे के सारे फोर्सेस जो मैक्सिमम थे उनमें से काउंट किए हैं और लिस्ट आउट यहाँ पे एज अ डिज़ाइन फोर्सेस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिज़ाइन का जो एनालिसिस थी ख़त्म हुई। अब इसके आगे जो है हम डिज़ाइन करेंगे टॉप कोड को, बॉटम कोड मेंबर को और डायगनल मेंबर को, और किसी एक जॉइंट पे हम जॉइंट को डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम वेल्ड डिज़ाइन करेंगे, वेल्डिंग। ओके, तो चलिए अब आगे जो स्टेप है फर्दर, जो डिज़ाइन प्रोसीजर है वो हम अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आई थिंक क्या आपको ये वीडियो यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट या क्वेरी रह जाती हो तो प्लीज़ आप बेझिझक मुझको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। मैं बिल्कुल 100% अगर वो आपका डाउट लीगल होगा तो मैं रिप्लाई दूंगा और आपका वो क्वेरी या डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर ऐसा हो कि उस डाउट को मैं कमेंट के अंदर या टेक्स्ट में सॉल्व नहीं कर पा रहा हो या आपको वो समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो भी अपलोड करूंगा। ठीक है, सो डोंट बी पैनिक एंड डोंट वरी अबाउट एनी कंसेप्ट। ठीक है, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और आप भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट के अंदर आप थोड़ा लिख दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन टू गेट माई रेगुलर अपडेट्स फर्स्ट टू यू। थैंक यू।